राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तु और आज हमारे साथ हैं गुफ्तगू में जस्टिस मारकंडे जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं जस्टिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चार दशकों से भी ज्यादा समय तक न्यायिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से वकालत का पेशा शुरू करने वाले जस्टिस कार्डजू न्यायिक सेवा में आने से पहले सामाजिक सेवा में व्यस्त रहे दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्य के अध्येता जस्टिस कार्डजू उर्दू के बड़े हिमायती हैं भारत की संस्कृति में संस्कृत उर्दू का इथौस मानने वाले जस्टिस काटजू देश को जानने और समझने के लिए गांव में रहकर अध्यापन भी कर चुके हैं सामाजिक सक्रियता और न्यायिक व्यस्तता के साथ साथ जस्टिस कार्डजू की कला और साहित्य पर गहरी पकड़ है समकालीन साहित्य को बाजारवाद से प्रभावित मानते हुए वो कहते हैं कि इससे भारत की संस्कृत उर्दू की साझा विरासत का बड़ा नुकसान हुआ है कई बार अपने विवादास्पद और बेबाक बयानों से आलोचना झेलने के बावजूद जस्टिस कार्डजू इन सबसे बेपरवाह अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं बहुत बहुत स्वागत है जस्टिस कार्डजू प्रोग्राम में मुझे बताइए कि इलाहाबाद के एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद जहाँ पर वकालत और राजनीति बरसों से साथ साथ चल रहे थे आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसमें आपने प्रो पीपल एक्टिविटीज़ शुरू की क्योंकि ऐसा भी हमको मालूम है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान या करने के बाद गांव में चले गए कुछ गांव में काम करने इसका क्या सिलसिला है देखिए मुझको बचपन से ही एक जज्बात था कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है और लोगों को देश से प्रेम होना चाहिए देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए इसमें बुद्धिजीवियों का बड़ा भारी इसमें किरदार रहेगा तो मैं जानना चाहता था कि गांव में कैसे लोग रहते हैं क्योंकि मैं तो शहरी आदमी था तो इसीलिए मैं करीब डेढ़ दो साल एक गांव में जाके मैंने मैं अध्यापक भी रहा उसके बाद फिर मैंने वकालत शुरू करी तो मेरा तो पूरे जिंदगी में है कि मैं किसी तरीके से अपने देश को एक प्रॉस्परस कंट्री बनाऊं देश के लोग खुशहाल हों गरीबी हटे बेरोज़गारी हटे और सब सामाजिक बुराइयाँ हटें ये मेरे जिंदगी का मकसद है और ये जो लंबा आपका जुडिशरी का जो अनुभव है इसमें आपने क्या पाया ये जो देश की जनता के लिए काम करना और जिस पेशे के ज़रिए आप कर रहे थे उसमें क्या कोई टकराहट थी नहीं देखिए वकील जो होता है समाज से बहुत जुड़ा होता है क्योंकि हमारे पास जो मौके आते हैं हर तबके से आते हैं बिजनेसमैन भी आते हैं चोर डकैत आते हैं वर्कर्स आते हैं तो इससे हमें पूरे समाज का एक अच्छी समझ हो जाती है जो कि बहुत मदद करती है देश के लिए कुछ काम करने के लिए यह तो हुई एक बात जिससे कि आप सीधे तौर पर लोगों से रूबरू होते हैं और उनकी जिंदगियां और उनकी आंच से आप ओरिएंट होते हैं लेकिन इसके अलावा ख़ुद एक स्वाध्याय से एक सेल्फ़ एफर्ट से जब आप कोशिश कर रहे होते हैं तो आपने क्या मेथडोलॉजी अपनाई जिससे कि और ज़्यादा आप अपने लोगों की सेवा कर सकें देखिए पहले तो अगर कोई इंसान देश की कुछ सेवा करना चाहे तो पहले अपने देश के बारे में उसको जानना है बिना जाने हुए आप क्या सेवा करेंगे तो जानने के लिए आपको पढ़ना बहुत है मुझे बचपन से मैंने दस साल की उम्र के पहले से ही रीडिंग हैबिट पड़ गई और आज भी मैं चार पाँच घंटे रोज़ पढ़ता हूँ तो जो जानकारी होती है एक तो किताबों से किताब पढ़े बग़ैर आदमी ज़्यादा जानकारी नहीं हासिल कर सकता मगर किताब के अलावा लोगों से चर्चा करना लोगों से इंटरेक्ट करना इस सबसे भी बहुत ज्ञान आता है तो मैंने हमेशा कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बारे में जानकारी हासिल करना तो जो मुझे कई साल यानी चालीस चालीस साल से ज़्यादा जो मैंने स्टडी किया कंट्री को मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ये मुल्क जो है हिंदुस्तान इट इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स अब सवाल उठता है कि भाई जो इमिग्रेंट्स आए थे हिंदुस्तान में वो क्या इमीग्रेंट्स ही रह गए कि उनके इंटरेक्शन से कोई कॉमन कल्चर इमर्ज करी क्योंकि अगर इमीग्रेंट्स ही रह गए तो ये हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं है तो सौ मुल्क है तो इसका जवाब है कि जो इमिग्रेंट्स हज़ारों साल से हिंदुस्तान में आते रहे उनके इंटरेक्शन इंटरमिंगलिंग से एक कॉमन कल्चर इमर्ज करी हिंदुस्तान में जिसको कह सकते हैं संस्कृत उर्दू कल्चर ये देखिए मेरा ओरिजिनल खोज है किसी किताब में नहीं मिलेगी ये सब बातें आपको दिस इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया द संस्कृत उर्दू कल्चर और यही पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करती है इसलिए हम एक मुल्क हैं हम सौ मुल्क नहीं हैं हमारा कल्चर संस्कृत उर्दू कल्चर है हिंदुस्तान का और इस अगर आप उर्दू को नकार देंगे तो जैसे एक आदमी अपना एक पैर काट दे दे इसके बराबर होता है और उर्दू लिटरेचर देखिए मैंने दुनिया भर की पोइट्री पढ़ी है मैं तो आपको बताया ना बचपन से रीडिंग हैबिट हमारी बन गई थी मैंने हिंदुस्तान की शायरी पढ़ी सूर तुलसी तो पढ़ाई रवीन्द्रनाथ टगोर और तमिल के हैं सुब्रमण्य भारती मैंने इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था यूनिवर्सिटी में शेली कीड्स बायरन टेनिसन शेक्सपियर ये सब तो पढ़ाई और अमेरिकन पोइट्री वॉल्ट विटमैन लॉन्ग फेलो ये सब पढ़ा जर्मन पोइट्री हाइंड हाइना रिल्का ये सब पढ़ा फ्रेंच पोइट्री रशियन पोइट्री एलेक्जेंडर पुशकिन माया वगैरह चिली के पेब्लो नेरुडा बड़े ग्रेट पोइट थी दुनिया जहान की मैंने पोइट्री पढ़ी उर्दू पोइ्री में एक बात है जो जो और पोइट्री में मुझे नहीं मिली कि जो दिल की आवाज़ निकलती है उर्दू पोइट्री में और जिस ताकत से और जिस अंदाज से बयान से मिलती है वो मैंने किसी शायरी में नहीं पाई दुनिया भर की तो इस नज़रिए से उर्दू इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट्री इन वर्ल्ड और समझिए कितनी ट्रेजिडी है कि जिस मुल्क ने इसको पैदा किया हमारे ही कुछ लोगों ने उसको नकारने की कोशिश करी इतनी कितनी बड़ी ट्रेजडी और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कि आपने जो बनाई है दुनिया की सबसे अच्छी पोइट्री आपने उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करी इट इज़ अ ग्रेट ट्रेजडी मुझे बताइए जस्टिस कार्ड के आपके जो बयान होते हैं वो कई बार उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शायद या आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको प्रचारित पब्लिशाइज किया जाता है और पाया जाता है कि जस्टिस काजू एक बेबाक आदमी है कई बार उन्हें सन की तक की उपाधि <सथ> दे दी जाती है जबकि मेरा ख्याल है जब आप ये कहते हैं कि भाई नब्बे फ़ीसदी लोग बेवकूफ़ हैं अभी भी कहते हैं आप कहते हैं आ, अभी भी कह कहते हैं बिल्कुल लेकिन ये मौका है कि जब हम आपसे ये जानें क्योंकि एक बयान जो कि हवा में ख़ला में आपके सामने फेंका जाता है और टी वी चैनलों पर और अखबारों में दिखाया जाता है तो ये पूरी बात समझ में नहीं आती कि जब ये आप बयान देते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें शायद शामिल होती होंगी देखिए जैसे आपने पूछा कि मैंने बयान दिया नब्बे फीसदी हिंदुस्तानी बेवकूफ़ हैं बेवकूफ़ है, है मूर्ख है ये मेरा आ, मानना है आज भी है और ये बात मैं जो कहता हूँ ये जनता का नुकसान करने के लिए नहीं है ये जनता का फ़ायदा करने के लिए है मैं जनता को प्यार करता हूँ मैंने तो देखा है कि अक्सर मैं मैं वकील साहब बीस साल में देखता था कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में नाइन्टी परसेंट लॉयर्स हाई कोर्ट मानिए जो अपने को एलीट तबका समझता नाइन्टी परसेंट वकील पंडित वकील पंडित कैंडिडेट को दे देगा कायस कैंडिडेट कायस सब नहीं मगर नाइन्टी परसेंट अब ये नहीं साबित करता कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं नाइन्टी परसेंट लोग हिंदुस्तान में ज्योतिष में विश्वास करते हैं जो सरासर बकवास है इट इज़ प्योर सुपरस्टिशन एंड नॉन सोचिए कॉमन सेंस यूज़ करिए कि क्या चांद सितारों के मूवमेंट से तय आपका ज़िंदगी अफेक्ट होगी? इज इट नॉट कोई कनेक्शन है दोनों में कि चांद सितारों के हिलने से तय होगा कि आप डॉक्टर बनेंगे आगे चल के कि वकील बनेंगे कि साइंटिस्ट बनेंगे इट इज़ ऑल नॉन मगर नाइन्टी परसेंट लोगों का इसमें विश्वास है ये दिखाता है कि यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं नाइन्टी और मैं जो सख्त बात कह जाता हूँ मैं जनता के फायदे के लिए कहता हूँ मैं जनता को प्यार करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मूर्ख न रहो क्योंकि जब तक तुम तुम्हें वैज्ञानिक समझ नहीं आएगी तुम्हारी गरीबी दूर नहीं होगी देखिए सबसे बुरी चीज़ होती है ज़िंदगी में गरीबी मुफलसी इससे बुरी चीज़ कोई नहीं होती और जो चीज़ गरीबी को परपैचुएट करेगी जैसे ये बैकवर्डनेस सुपरस्टिशन ये सब परपेचुएट बरकरार रखता है वो बुरी चीज़ है और जो चीज़ इस इसको ख़त्म करती है और देश में उन्नति लाती है प्रगति लाती है खुशहाली लाती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो चीज़ अच्छी देखिए हर सिस्टम का एक टेस्ट है और एक ही टेस्ट है कि क्या उसके अंतर्गत क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैसेज का इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर इम्प्रूव कर रहा है तो मैं उस सिस्टम को सपोर्ट कर दिस इज द बेसिक टेस्ट ऑफ एवरीथिंग अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जस्टिस कार्चू के साथ यहाँ हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है तबका एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसको वो नाइन्टी परसेंट इट इज़ अटली सेल्फिश एंड अनपेट्रियाटिक कोई उसको देश से प्रेम नहीं है समाज का कुछ फ़ायदा करने का कोई कोई इच्छा नहीं है बस वो कोई कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए कुछ पैसा कमा लें उसका ये इट्स वेरी सैड स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगु में आज हमारे साथ हैं जस्टिस मारकंडे काजू जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं जस्टिस काजू हमको बताइए कि साहित्य का जिक्र आपने किया ब्रेक से पहले इसके अलावा कला के जो दूसरे रूप हैं उसमें संगीत हो सकता है नृत्य हो सकता है इन सब चीज़ों का जब आप देखते हैं भारतीय समाज जिसमें इतनी विविधता है तो आप क्या पाते हैं इसमें जो कलाओं का प्रभाव है और देखिए भारत में तो बहुत लिटरेचर हुआ है बहुत आर्ट एंड कल्चर हुआ है यानी कालिदास कहाँ कहाँ से लेके तुलसी सूर और मीर गालिब तक और क्लासिकल म्यूज़िक क्लासिकल डांस पेंटिंग वेंटिंग सब बहुत सारा हुआ है देखिए बेसिक चीज़ ये है कि आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में ब्रॉडली दो थ्योरीज हैं एक को कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक और दूसरे को कहते हैं आर्ट फॉर सोशल पर्पस। भारत जैसे गरीब मुल्क में आर्ट फॉर सोशल पर्पस की थ्योरी ही एक्सेप्टेबल है क्योंकि आर्टिस्ट और राइटर्स को जनता की मदद करनी चाहिए इतने बड़े बड़े समस्याएं आ गई हैं देश में संकट आ गया है देश पर इतनी गरीबी है बेरोज़गारी है कीमतें बर्त, कीमतें बढ़ती जा रही हैं हेल्थ केयर नहीं है गरीब लोगों को कहाँ दवा मिलती है डॉक्टर मिलता है वैसे सोशल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं तो जब इतने भारी संकट हमारा देश सामना कर नाइन्टी परसेंट लोग इतना आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो कला और साहित्य को जनता की मदद करनी चाहिए इस संघर्ष में और उर्दू पोइट्री तो बहुत पूरी उसका नेचर ही है कि सोशल इनजस्टिस के लिए के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ उसमें उठती है अच्छा आप फैज़ ले लीजिए आप गालिब ले लीजिए मीर ले लीजिए नज़ीर ले लीजिए सब ने अपनी आवाज़ उठाई और इधर साहिल लू ध्यान भी लीजिए बड़े बड़े शायर हुए हैं इन सब ने नासाफ़ी के ख़िलाफ़ वो जो कट्टर सोशल कस्टम्स थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई सूफी उसमें टच है उर्दू लिटरेचर तो मेरे हिसाब से कला और साहित्य को जनता की सेवा करनी चाहिए अपने साथ ये जो इधर भयंकर आर्थिक संकट देश पे आ गया है उससे सामना करने में तो क्या आप ये कहते हैं कि इन दिनों आ... जो साहित्य है वो और कला है वो समाज की सेवा नहीं कर रही है क्योंकि एक दौर वो भी गुज़रा ख़ासतौर पर अगर आप इलाहाबाद के दिनों की याद करें जिसमें आप के भी बहुत नज़दीकी साथियों में योगेश अग्रवाल और जो दूसरे साथी थे और तब सीधे तौर पर चाहे वो पी डब्ल्यू ए हो चाहे वो आई पी टी ए हो सीधे तौर पर लोग एक इंगेज करते थे ये जो सोशल इश्यूज थे उनको अपने लिटरेचर में अपने आर्ट में इंगेज करते थे तो क्या ये अभी इधर हाल के 10-20 बरसों का ये कोई फिनमिना होगा जिसमें सोवियत रूस का एक्सपेरिमेंट का कोलैप्स और ग्लोबलाइजेशन का और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का उसके सामने लोगों का सरेंडर करना क्या मानते हैं देखिए इधर जो कमर्शलाइजेशन हो गया सोसाइटी में सब पैसे के तरफ दौड़ रहे हैं हाई पैसा हाई पैसा कोई जनता की सेवा करने के चक्कर में नाइन्टी परसेंट लोगों की मैं बात कर रहा हूँ तो जो लोग लिखते हैं वो जनता की मदद करने के लिए नहीं लिखते हैं वो बस पैसा बनाने के लिए लिखते हैं तो इससे साहित्य और कला का भी बड़ा नुकसान हुआ अच्छा साहित्य कहाँ आ रहा है आजकल कहाँ है आज के डिकिन्स कहाँ आज के टोल स्टॉय कहाँ आज के शरद चंद प्रेमचंद मंटो कहाँ है बताइए लेकिन जस्टिस कारजू आप ये देखिए कि जब इस तरह के लोग लिखते थे चाहे वो साहिर हों चाहे वो मजाज हों तब एक सोशल मूवमेंट भी साथ साथ था एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी साथ साथ था जिसको उनकी शायरी कॉरबरेट करती थी आज अगर वो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है तो ख़ला में तो लिटरेचर नहीं शायद पैदा हो देखिए ये बात सही है कि समाज में इतना कमर्शलाइजेशन आ गया है बस पैसे के पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं कि सोशल मूवमेंट्स हैं मगर जो देखिए माफ़ करिए कि मैं बड़ा सख्त बातें कह जाता हूँ कई लोग बुरा मान जाते हैं ज़रूर हम इसी के लिए आए हैं आपके पास <laughs> यहाँ हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास है तबका एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसको वो नाइन्टी परसेंट इट इज़ अटली सेल्फिश एंड अनपेट्रियाटिक कोई उसको देश से प्रेम नहीं है समाज का कुछ फ़ायदा करने का कोई कोई इच्छा नहीं है बस वो कोई कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए कुछ पैसा कमा लें उसका ये इट्स वेरी सैड मगर ये तो कोई जस्टिफिकेशन हुआ नहीं कि क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं चल सोशल मूवमेंट नहीं चल रहा है तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे जनता के फ़ायदे के लिए ये क्या बात हुई जाए मूवमेंट चले या ना चले आप अगर सोशली कॉन्शियस आदमी हैं और आप में देश प्रेम है तो आप अपने लेखों से उसको क्रिएट भी कर सकते हैं सोशल मूवमेंट आप लिखिए आज तो जनता भारत की इतनी प्यासी है अच्छे साहित्य की कि आप अच्छा साहित्य देश के फ़ायदे के लिए लिखें तो आग जैसे फैल जाएगा फिर भी इन सब चीज़ों के बीच में कुछ तो ऐसी ज़रूर आपको चमकदार चीज़ें लगती होंगी जिनके साथ जाकर आप खुद ललक के साथ जुड़ना चाहते होंगे और उन्हें बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते होंगे देखिए आर्ट और लिटरेचर में तो मैं बता रहा हूँ मैं, मैं मैं रीडिंग हैबिट मेरी बचपन से पढ़ गई अगर आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़िए फ्राम सेवेंटीन टू नाइनटीन सेंचुरीज़ जो जब यूरोप में ट्रांसिशन हो रहा था फ्रॉम फ्यूडल सोसाइटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी इस पीरियड में बड़ा उधम हुआ टर्मोयल टर्बुलेंस वॉर्स रेवल्यूशन केस आन आर की इंटेलचुअल फरमेंट थ्योरीज ऑफ वोल्टेर रूसो टॉमस पेन, ये सब आए इस आग से गुजरने के बाद आधुनिक समाज बना यूरोप में भारत इस आग से गुजर रहा है अभी वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी पेनफुल पीरियड इन आ हिस्ट्री जो मुझे लगता है पंद्रह बीस साल और चलेगा क्योंकि देखिए ट्रांसेशन को होता है ट्रांसेशन मतलब पुराना समाज को जड़ से उखाड़ के फेंक दो और एक नया समाज उसकी जगह स्थापित करो। ये क्या पेनलेसली हो सकता है लेकिन यहीं पर अगर गालिब का ही सहारा ले तो कह सकते हैं कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या होएगा मगर देखिए ये जो ट्रांसिशन पीरियड है ये बड़ा पेनफुल पीरियड इसके बाद एक अच्छा पीरियड प्रोस्पेरिटी ये जो प्रोस्पेरिटी आएगी हिंदुस्तान में मगर ये आने वाले पंद्रह बीस साल बहुत खराब मतलब बहुत पेनफुल टेरेबल पीरियड होने जा रहा है बिकॉज ट्रांसिशन में ऐसा ही बड़ा इट इज इट 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 इज़ अ वेरी एगोनाइजिंग पीरियड इन हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल uh, एक्सपीरियंस uh, रहा है तो भारत इस आग से गुजर रहा है तो कितनी ताकतें लगी हैं जो कि देश को तोड़ने में या जनता को आपस में मज़हब या जात या नस्ल या भाषा के नाम पर लड़वाने में हम लोग को अब धीरे धीरे जनता को समझाना होगा कि देखो ये तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि 99% परसेंट लोग हर कौम के अच्छे होते हैं चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई अच्छे तो होते हैं मगर 80 परसेंट बेवकूफ़ भी होते हैं हैं अच्छे मगर बेवकूफ़ बनाने बड़ा जो शरारती तत्व हैं वो आसानी से जनता को बेवकूफ़ बना सकता है लड़वा सकता है अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जस्टिस मारकंडिकारजू के साथ मैंने एक जजमेंट दिया था जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज था कि पाँच साल तक हर स्कूल में यूपी के हर स्कूल में दर्जा तीन से दर्जा सात संस्कृत और उर्दू को कंपल्सरी कर दीजिए स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगु में आज हमारे साथ हैं जस्टिस मार्कंडे कारजू काजू साहब हमको बताइए कि ब्रेक से पहले बल्कि पिछले ब्रेक से भी पहले उर्दू के बारे में बातों बातों में बार बार ये ज़िक्र आ रहा है कि उर्दू के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है अब जबकि आप ख़ुद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और कुछ चीज़ें आपके अख्तियार में हैं आप क्या कर रहे हैं कि उर्दू को वो जगह मिले जो नाइंसाफ़ी उसके साथ हो रही है देखिए एक तो इस साल से प्रेस काउंसिल नेशनल ने ने अवॉर्ड फॉर एक्सलेंस इन जर्नलिज़म देना, देना Uh, मतलब दिया जाएगा uh, सोलह नवंबर को नेशनल प्रेस डे होता है और uh, मेरे कहने पे उसमें एक वन अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन उर्दू जर्नलिज्म भी दिया जाएगा ये पहले बार हुआ है अब तक कभी नहीं हुआ था uh, प्रेस काउंसिल्स के द्वारा तो उसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसन कमाल बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं शायद बॉम्बे के हैं उन एक जूरी बहने बनाई थी uh, उन्होंने चले कि उसमें जूरी में एस एम अशरफ साहब भी थे जो उर्दू के स्कॉलर हैं और कमिश्नर इनकम टैक्स भी हैं और अनीस आदमी साहब जो सेक्रेटरी डेली उर्दू एकेडमी के हैं और विनोद शर्मा जो हिंदुस्तान टाइम में हैं और नीरज वाजपेयी जो मेंबर प्रेस काउंसिल हैं यू के और मैं भी था तो हम लोगों ने हसन कमाल साहब को देना डिसाइड किया वो दिया जाएगा तो हर साल अब दिया जाएगा कई अवार्ड्स होंगे उसमें से एक अवार्ड क्योंकि उर्दू में बहुत अखबार छपते हैं तो दिस इज़ टू इनकरेज उर्दू से अच्छी मैसेज आएगी लेकिन यहाँ पर आपको टोकूंगा हाँ। आपने खुद ये माना कि उर्दू में बहुत से अखबार छपते हैं यानी कि उर्दू में जो में जो काविशें हैं वो जारी हैं उर्दू लैंग्वेज को उर्दू स्क्रिप्ट को लेकर प्रमोशन की अखबार छपते हैं आपको मालूम है कि उर्दू प्रमोशन के लिए बाकायदा अकेडमियाँ और जो अंजुमन एक बहुत मशहूर वो सारी चीज़ें हो रही हैं स्टेट लेवल पर भी हर स्टेट में कुछ ना कुछ उर्दू को लेकर वो कहाँ कोई गड़बड़ी है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं कहाँ पर उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी आपको दिखाई देती है देखिए एक तो मैंने कहा ना जो प्रोपोगेंडा हुआ था उर्दू के ख़िलाफ़ कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज है ये मुसलमानों की ज़ुबान है यहाँ तक कि अब तो मुसलमान बच्चे नहीं जानते उर्दू और, और मतलब के तो छोड़िए तो उनको जानने से कोई रोक रहा है? वो जाने? नहीं नहीं उनको पढ़ाता पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं है ना तो मैंने एक जजमेंट दिया था जब मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज था आ, कि पाँच साल तक हर स्कूल में यूपी के हर स्कूल में दर्जा तीन से दर्जा सात संस्कृत और उर्दू को कंपलसरी कर दीजिए फ्रॉम क्लास थ्री टू क्लास सेवन उसके बाद क्लास सेवन के बाद ऑप्शनल करिए जो पढ़ना चाहे पढ़े पढ़ना ना पढ़ना चाहे न पढ़े इससे हज़ारों उर्दू के जो स्कॉलर्स हैं उनको नौकरी भी मिल जाएगी क्योंकि लोग कर लेते हैं एम ए पी एच डी उर्दू में नौकरी नहीं मिलती तो हर स्कूल में अगर ये हो जाएगा तो हज़ारों जो उर्दू के जानकार लोग हैं उनको नौकरी भी मिल जाएगी तो इससे एक बेसिक आइडिया बन जाए उसके बाद आपकी मर्जी आप पढ़ना चाहें पढ़ें ना पढ़े तो ये मेरा फैसला ये रिकमेंडेशन था यूपी गवर्नमेंट को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने दिया भी है चीफ मिनिस्टर साहब को वो जजमेंट की कॉपी मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको इम्प्लीमेंट करिए देखिए ये भी एक बहस चलती है कि बजाय स्क्रिप्ट को सीखने के उर्दू में जो लिटरेचर है उसको देवनागरी में लिख दिया जाए और ऐसा पहले हुआ भी और अभी भी कुछ एक ये आर्गमेंट बहुत मजबूती से चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी रस्म ख़त को भी जानें चूँकि दोनों ज़बाने मिलती जुलती हैं तो उनको देवनागरी में भी प्रमोट किया जाए इस पर आप क्या कहते हैं देखिए इस पर मेरी राय है कि बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए अबाउट स्क्रिप्ट वी शुड बी फ्लेक्सिबल क्योंकि बहुत लोग उर्दू स्क्रिप्ट जानते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया ना नाइनटीन फोटी सेवन के पहले तो सब जानते थे अब लोग जानते नहीं हैं उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई देखिए ये जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि हिंदू मुसलमानों को लड़वाना है उसी के तहत ये 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 ख्याल आया ये आइडिया का प्रोपोगेंडा हुआ कि हिंदी भाषा हिंदुओं की उर्दू भाषा मुसलमानों की जबकि उन्नीस के पहले उर्दू सभी पढ़े लिखे लोगों की ज़ुबान थी इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया हम लोग के बाप दादा उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे तो कॉमन लैंग्वेज थी सब की ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी और आज भी हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये अपनी स्पीचेस उर्दू ही में लिखते हैं हमारे बाप दादा उर्दू ही में लिखते थे तो मेरा ये सुझाव है कि जैसे कोई उर्दू शायरी की किताब छपे लेफ्ट हैंड साइड आप उर्दू फारसी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है नॉट इन अरेबिक थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में तो लेफ्ट हैंड पेज पे आप फारसी स्क्रिप्ट में लिखिए और राइट हैंड पेज में आप देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखिए इस काम को पहले आपको मालूम है कि अली सरदार जाफरी इस काम को पहले कर चुके हैं गालिब के दीवान के साथ मीर के दीवान के साथ कर चुके हैं पहले हाँ तो तो एक एक पन्ने पे फारसी स्क्रिप्ट और नेक्स्ट पन्ने पे देवनगरी स्क्रिप्ट और डि, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग नीचे एक्सप्लेन तो इससे क्या होगा ना कि जो फारसी स्क्रिप्ट के जानकार नहीं हैं उनको भी धीरे धीरे एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा अच्छा साथ, साथ मेरा ये एक सुझाव मैंने दिया है कुछ उर्दू के अखबारों को कि देखो तुम एक ऐसा करो तुम्हारा मानिए आठ पेज का अखबार है उसमें से एक तिहाई एक एक पेज का एक तिहाई में लिखो लर्निंग उर्दू हैं तो जो उर्दू स्क्रिप्ट की जानकारी अलग बे पे उनको आप चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में वो अल्फाबेट्स उर्दू के अल्फेबेट्स जो फ़ारसी में अल्फाबेट्स हैं धीरे धीरे तो उनकी भी उर्दू की उर्दू स्क्रिप्ट की जानकारी बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपको मगर हैज़ टू बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए रिजिड नहीं होना चाहिए धीरे धीरे लोग उसको सीखने लगेंगे और आखिरी सवाल आपके साथ जस्टिस काजजू के इन दिनों आप क्या करने में मशगूल रहते हैं देखिए एक तो उर्दू हेरिटेज कारवा एक हम लोग ने शुरू किया आसिफ आज़मी उसके कन्वीनर हैं ये उन्हीं का विचार था वो लेके आए थे मेरे पास मेरे छोटे भाई जैसे हैं तो इसका मकसद है कि उर्दू का झंडा फिर से ऊंचा किया जाए उर्दू की ग्लोरी फिर रिस्टोर की जाए ये हम उर्दू हेरिटेज कारवां लेके पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं दो फंक्शन दिल्ली में हुए बहुत बड़े फंक्शन हुए फिर दो फंक्शन बॉम्बे में हुए अब उनतीस नवम्बर को लखनऊ में होने जा रहा है वहाँ चीफ मिनिस्टर और मुलायम सिंह जी भी आएँगे 11 बजे एकेडमिक फंक्शन होगा जिसमें चीफ मिनिस्टर आएंगे और 7 बजे मुशायरा होगा जिसमें उनके मुलायम सिंह यादव जी आएंगे फिर उसके बाद हैदराबाद जाने का हम लोग का प्लान है और कई शहर में जाके हम लोग उर्दू का फिर से जो पुराना जो शहरत थी उसको फिर से हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मारकंडे कार्डू प्रोग्राम में इतना वक्त देने के लिए ये थे जस्टिस मारकंडे कारू प्रोग्राम गुफ्तु में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए फीडबैक डॉट आर एस टी वी एट जी मेल डॉट कॉम पर